हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अभिषेक यादव, जगजीत इंटर कॉलेज कोना श्रावस्ती। आज हम आपको जो है पढ़ाएंगे कि चैप्टर का नाम है मानव जनन, इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। क्या नाम है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में ये पढ़ना है कि मानव में जनन कैसे होता है और विभिन्न प्रकार के मानव में जो जननांग होते हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। नाउ स्टार्ट करते हैं। जो मानव होता है वो यूनिसेक्सुअल होता है। यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म कहने का मतलब ये है कि इनमें नर और मादा जो है जननांग अलग अलग जीवों में पाए जाते हैं। ऐसे जीव यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, मतलब हमने लिख दिया है सेपरेट सेक्स ऑर्गन। ये जो ह्यूमंस हैं, ये ह्यूमंस जो हैं, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। किस प्रकार का रिप्रोडक्शन होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब हम सब लोग जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ने के लिए अलग अलग दो कैटेगरी में बांट दिया गया है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके बाद में आपको पढ़ना है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हम सब लोग स्टार्ट करेंगे पहला मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब ये पूरा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ये हमारे पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होता है। कहाँ पर प्रेजेंट होगा? पेल्विक रीजन में। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम सब लोग दो भागों में कैटेगराइज किए हैं। पहला है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। पहला क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। दूसरा है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। अब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किसे कहते हैं? ऐसा ऑर्गन्स जिनमें जो है युग्मक का निर्माण होता है उसको हम क्या कहेंगे? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। तो आप जानते हैं कि जो मेल गैमेट होता है कहाँ बनेगा? टेस्टिस के अंदर। और मेल गैमेट का क्या नाम है? स्पर्म। तो जो स्पर्म होता है वो टेस्टिस के अंदर बनता है, इसलिए यहाँ पे जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होगा उसको हम क्या कहेंगे? टेस्टिस। मतलब मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन होगा? टेस्टिस। अगर हम पूछें कि फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, तो फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन होगा? ओवरी होता है। फिर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन किसे कहते हैं? ऐसे सेक्स ऑर्गन जिनमें युग्मक का परिपक्वन हो, लालन पालन हो और उनका ट्रांसफर हो, तो ऐसे सेक्स ऑर्गन को हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। इसको अध्ययन करने के लिए हम सब लोगों में दो कैटेगराइज में डिवाइड किया है, एसेसरी ग्लैंड और डक्ट सिस्टम। तो एसेसरी ग्लैंड है, पहला है सेमाइनल वेसाइकल, दूसरा है प्रोस्टेट ग्लैंड, तीसरा है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। इसको हम सब लोग जो है कॉपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो सेमाइनल वेसाइकल्स होती है वो ट्विन नंबर में, मतलब पेयर में पाया जाएगी। प्रोस्टेट होगा वन इन नंबर में होगा, मतलब ये अनपेयर्ड होता है, पेयर में नहीं पाया जाता है। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो होता है ये भी पेयर्ड में पाया जाता है, मतलब टू इन नंबर में प्रेजेंट होता है। ये हमारा जो डक्ट सिस्टम है, डक्ट सिस्टम में रेटे टेस्टिस, वासा एफेंसिया और एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस और क्या आता है? एजाकुलेटरी डक्ट आता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो टेस्टिस होता है ये क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। अब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यहाँ पे स्पर्म बनेंगे और ये जो स्पर्म है बाहर की ओर एक ट्यूब नलिका के द्वारा निकलते हैं, जो उसकी सतह पर प्रेजेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं? एपिडिडाइमिस कहते हैं। ये जाके जो एक सीधी सी ट्यूब में ओपन होगी उसको हम क्या कहते हैं? वास डिफरेंस कहेंगे। अब ये जो वास डिफरेंस है, जो हमारा यूरिनरी ब्लेडर होता है उससे जो है ऊपर से आती है, इधर से भी ऊपर से ऐसे क्वाइल होके आती है। आने के बाद यहाँ पर एक ग्लैंड प्रेजेंट है, उस ग्लैंड का नाम है सेमाइनल वेसाइकल्स। क्या नाम है? सेमिनल वेसाइकल्स। ये जो सेमिनल वेसाइकल्स है यहाँ आपस में दोनों जुड़ते हैं तो एक कॉमन नलिका बनती है, उस नलिका को हम क्या कहते हैं? इजाकुलेटरी डक्ट कहते हैं।
यहीं पर जो है एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है, उस ग्लैंड को हम सब लोग क्या कहते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड कहेंगे। ये आगे चल के जो है यूरेथ्रा में ओपन होती है, यहाँ पे भी एक ग्लैंड होती है, इस ग्लैंड को हम सब लोग नाम देते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कहते हैं। क्या नाम देंगे? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कहेंगे। ठीक, अब हम यहाँ